स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ होस्ट ऑन दोस्त आपका पंकज भारद्वाज। तो आइए देखते हैं, हमने एक आइटम मंगवाया था ये अमेज़ोन से, एक ऑयल बर्नर आइटम है ये, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको ओपन करके कि किस क्वालिटी में हमको ये रिसीव हुआ है। ये एक्चुअल में हमने एक प्रोडक्ट देखा था बाहर मार्केट में, तो हमको वो काफ़ी अच्छा लगा। फॉर ये बेसिकली एक लैम्प भी है और एक ऑयल बर्नर भी है, तो जैसे घर में अगर आपको खुशबू वगैरह अच्छी लगती हो तो उस पर्पज़ से आप मंगवा सकते हैं। हमें तो काफ़ी अच्छा दिखा ये रिव्यूज़ में, तो अभी देखते हैं इसको ओपन करके क्या क्या कुछ हमको इसमें रिसीव हुआ है। एक ये है जिसके अंदर हम वाटर एंड ऑयल वगैरह हम इसमें डालेंगे। एक ये कैंडल मिला है और एक आइटम और होगा एज आई थिंक, तो देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमको। ये आइटम है देखिए दोस्तों, ये बेसिकली एक हैंड टाइप है, ये टू फिंगर्स, ये वन फिंगर, ये वन फिंगर एंड ये थंब, ये बेसिकली इस टाइप से है। यहाँ पे ये कैंडल लगा सकते हैं एंड इसके ऊपर ये रखने का है। इसमें आप ऑयल सेंट जो आते हैं आपके मार्केट में मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, इस प्रोडक्ट के साथ भी थे, ठीक है। हमने वो नहीं मंगवाए क्योंकि हमने मार्केट से परचेज़ किए हुए थे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये कैंडल लगाया हुआ है, कैंडल रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और ये देखिए ये बाउल है, इसमें आप पानी डाल के उस सेंट आप डाल सकते हैं। इसमें आप और अच्छी खुशबू के लिए इसमें कैम्फर के टू गोली छोटी छोटी आती हैं कैम्फर की, आप वो डाल सकते हैं। कैम्फर के पूरे स्टिक्स आते हैं और बेसिकली आप वो तोड़ के डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और घर के कॉर्नर में आपको ये रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको ये अभी चला के दिखाएंगे, ठीक है, यूटिलाइज करना का भी और खुशबू भी, और इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैम्फर हम डाल के यूज़ करते हैं तो किस तरीके की खुशबू आती है, और आपको वो भी दिखाएंगे जो हमने मार्केट से अलग से परचेज़ किया है। तो आइए देखते हैं इसको हम रनिंग केस में आपको चला के दिखाएंगे, सो दैट आपको भी कैसा लग रहा है ये व्यू में वो दिख सके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपके सामने के लेके आए हैं ये किस तरीके से आपको दिख रहा है। ये लैंप भी है और एक ऑयल बर्नर भी है। हमने ये थोड़ा सा अभी गर्म हो चुका है बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ पे पास में दिखाऊं तो ये देखिए इसमें आपको थोड़ा सा पानी में ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। हमने इसमें कैम्फर की गोलियाँ भी डाली हैं, वो मेल्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको ऑयल भी दिखाता हूँ इसमें जो हमने मंगवाए हैं मार्केट से, जो परचेज़ किए हैं। ये देखिए ये आपका कैंडल है बेसिकली, और हम ये इसको इसके ऊपर रखते हैं, तो ये जैसे ही हीट अप बर्न अप होता है तो वो ऑयल की जो स्मेल है वो पूरे घर में सेंट की तरह फैल जाती है, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है हम जब वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम मार्केट से परचेज़ किया था, हमारे यहाँ पे एक छोटा सा मेला लगा था तो हम ये वहाँ से परचेज़ कर लिया था। ये अरोमा ऑयल है लेवेंडर खुशबू में, ये अरोमा ऑयल है बकेट खुशबू में, और ये क्या है अरोमा ऑयल जैस्मिन खुशबू में। तो हमने ये तीन परचेज़ किए थे मार्केट में। हमको ये छोटी शीशी 50 रुपये का मिला था, और ये जो बड़ी बड़ी शीशियाँ हैं ये 100-100 रुपये का मिला था। ये दुकान वाला बोल रहा था कि ये एक साल चल जाएगा, अगर आप डेली यूज़ करते हो 3-4 बूंद आपको डालना है। तो ऑलमोस्ट मुझे अभी ये 2 महीने से 3 महीना हो गया है यूज़ करते हुए, मैं अगर देखूँ तो ये हाफ़ क्वान्टिटी भी यूज़ नहीं हुआ है अभी तीनों का, किसी का भी हाफ़ क्वान्टिटी भी यूज़ नहीं हुआ है अभी, 1/3 यूज़ हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, आप यूज़ करके देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को हमारे न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे। थैंक यू।